चलो बेटा, नाउ योर टाइम स्टार्ट्स। क्वेश्चन नंबर वन, हैव यू गॉट द आंसर? डू राइट ऑल द ऑप्शंस रिटन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द न्यूक्लियस? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डीएनए, जीन और क्रोमोजोम्स। वैष्णवी, आप मैथ्स या अपना टॉपिक जो है ना उसका फोटो खींच के भेज दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ये टेस्ट हो जाने दीजिए इनका, ये आपके मैथ्स के जितने डाउट है बेटा वो खींचिए। हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर टू। द लिक्विड इन द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमोजोम। संभवी, जल्दी से अपनी कॉपी में वो लिख लीजिए, ए बी सी डी जो भी है वो लिख दीजिए, क्योंकि जहां ये टेस्ट खत्म होगा तुरंत मेरे व्हाट्सएप पे आपका फोटो आएगा और मैं वो व्हाट्सएप दिखाऊंगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जेनरेशन टू अनदर? सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड सेल मेम्ब्रेन, क्रोमोजोम्स एंड जीन्स। वो कौन सा इनहेरिटेंस कैरेक्टर है जो एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन तक रिलेटेड है? चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन एनिमल, प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल? क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। आप लोगों को डन बोल देना है, अगर आपका हो गया है तो आप डन बोल सकते हो। संभवी, कंप्लीटेड? प्रकृति। और ये आप फोटो भेजिएगा ग्रुप पे। डन। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स टिश्यूज वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिस्पायर एंड रिप्रोड्यूस। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिक्वायर फूड। आपको बताना है बोलिए। आगे बढ़ते हैं, पांचवे के बाद छठा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सिक्स। सेफाली एक्सीडेंटली टच्ड अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड इमीडिएटली विथड्रू हर हैंड बैग। She reacted on sensing the heat due to liver cell, skin surface, heart cells, or nerve cells. She reacted quickly because of which one is the appropriate answer? Mark going for the seventh question. See, the question is long enough. Now, see. Question number 6 का ऑप्शन देख लो बेटा। नहीं, बोलिए।
नेक्स्ट, यहां पे आप देखिए क्वेश्चन है, टेबल गिवन बिलो हैज सर्टेन टर्म ऑफ फाइव स्पेसेस नेम्ड ए बी सी डी ई। ओके, एंड बैक्टीरियल सेल प्लांट सेल सी ई, ए क्लोरोप्लास्ट स्पिंडल शेप्ड सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन, एंड मूवमेंट फंक्शन बी डी प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। फ्रॉम द ऑप्शन गिवेन बिलो चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी डी ई। देखिए बेटा, यहाँ पे चारों ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में आपको नाम सेलेक्ट करना है सेल का, जो बैक्टीरियल प्लांट सेल है वो सी और ई है। फिर फीदर या पार्ट जो है वो यहाँ पे ए है, और फंक्शन जो है वो मूवमेंट बी और डी का है। इसमें आप टाइम ज्यादा ले सकते हो और आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस गिवेन है, और जो भी बच्चा सामने से अगर पेन वेन चबाना चाहता है चबा सकता है, मैं कोई रोक टोक नहीं करूंगा। चलिए आगे बढ़िए। क्लियर है, क्वेश्चन दिख रहा है? एक बार डी ऑप्शन भी देख लीजिए आप लोग, और एक बार फिर से क्वेश्चन को आप देखिए। एक बच्चा कम से कम डन बोलेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। डन सुयस सांभवी प्रकृति। देखो बेटा, कोई एक चीज को समझ लो, फंक्शन उसका देख लो, मूवमेंट बी डीम का नाम चेक कर लो, पार्ट को देख लो क्या वो पार्ट ए में है, सेल को देख लो और ढूंढो। आगे बढ़े। सर ऑप्शन डी एक बार दिखाई ना सर। देखिए, हो गया, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन चारों में से कौन कौन सा करेक्ट है? 8 नंबर क्वेश्चन। कौन कौन सा ऑप्शन आपको लगता है दैट लुक्स दैट सीम्स टू बी करेक्ट? दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इंक्लूडिंग अ न्यूक्लियस, बैक्टीरिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटा प्रोकैरियोटिक सेल, लाइजोसोम आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, एंड फंगी आर प्रोकैरियोट्स। आपको जो जो सही लगता है उसके ऑप्शंस हैं आपके पास। नाउ सेलेक्ट द राइट ऑप्शन एंड देन आई विल गो फॉर द 9 एंड 10 क्वेश्चन। प्लीज मूव फॉरवर्ड। सो इट्स ओके। डन प्रकृति शांभवी। सर ओके, यस सर। नाउ सी, एंटामोबिया एंटामोबा एंड गियार्डिया आर। सांभवी, यू वॉन्ट टू टेक हेल्प फ्रॉम योर ब्रदर और सिस्टर,
बिकॉज सपोज यू आर नहीं टॉकिंग टू समबडी ना, और दिस कैमरा सपोज टू से वॉट यू डोंट वॉन्ट टू शो. तो सुयश, कैमरा ऑफ हो गया है बेटा आपका, एंड कैमरा ऑफ इज नॉट गुड. गुड गुड गुड. ना स्मार्ट चेहरा है, कैमरा तो ऑफ करो ही नहीं बेटा तुम. हो गया, आगे बढ़े. डन, आगे बढ़े. चलिए लिख डालिए एक ऑप्शन, इसको छोड़ दीजिए जहां पे आपके पास फिगर नहीं है. तो आउट ऑफ 9 आई विल गिव यू मार्क. तो बिफोर सबमिटिंग प्लीज शेयर योर फोटो टू माय व्हाट्सएप नंबर. क्विकली क्विकली शेयर योर पिक टू ओके माय व्हाट्सएप नंबर. क्यों सर, आप सेकंड वाला क्वेश्चन दिखा सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं, यहां देख लीजिए. देखिए ओके सर, हो गया. चलिए किसी को और कोई क्वेश्चन देखना है. फोटो भेज दिया आप लोगों ने, सुयश का तो फोटो भेज दिए हैं लगता है. श्याम भाभी, सांभवी योर कैमरा इज अगेन इन स्विच ऑफ मोड. फोटो खींच रहे हो आप लोग? ठीक है, फोटो खींच लो, भेज दो. सर भेज अच्छा कि कैमरा ऑन कर लो. प्रकृति आप भी कैमरा ऑन करो, और ग्रुप में फोटो आ गया. दिए हाँ ग्रुप में, ग्रुप में फोटो आ गया है. सुयश ग्रुप में देख लो सर। किसका किसका, मेरा बस आया, अभी देखे नहीं है। देख लो. तो उसका भी कैमरा बंद हो गया. और सांभवी का आया। यस प्रकृति का भी आ रहा होगा, सर, आ गया। आ गया ना. तो चलिए अब देखिए आप लोग आंसर मिला लीजिए. चलिए फर्स्ट का ए किसका इसका सही है? सुयश, मेरा वेरी गुड. सुयश का रंग बी लिख दिया था ऑप्शन। कोई बात नहीं है. प्रकृति आपका बेटा सर बी था। कोई बात नहीं है. चलिए सेकंड, उसको टिक कर लीजिएगा आप गलत सही को, सेकंड, और आंसर लिख लीजिएगा सही जगह पे. सेकंड क्वेश्चन का बी किसका इसका. सुयश ऑन कैमरा, सर स्विच ऑन कीजिए सांभवी एंड सुयश प्लीज. हाँ बोलिए, सेकंड का आंसर मेरा सही है, वेरी गुड. तुम्हारा प्रकृति नहीं है, कोई बात नहीं है. थर्ड, सर मेरा सही है। तुम्हारा सांभवी और प्रकृति. जीन जो होता है बेटा वो हेरेडिटरी मटेरियल को ट्रांसफर करता है. तो जीन वर्ड मैं समझ रहा था कि आपका सही होना चाहिए था. फोर्थ को जल्दी से टिक कर लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. आंसर सही पता चले और आप नोट डाउन करते जाइए. स्फेरिकल सेल ऑफ लीव, तो वो हॉलो स्फेरिकल हो, हॉलो हॉलो स्फीयर बोलेगा बेटा, जब तक हॉलो नहीं बोलेगा तब तक नहीं होगा. सिक्स नंबर, सेवन नंबर डी, एट नंबर सी,
9 नंबर बी। तो अब मुझे अपना स्कोर बताइएगा आप लोग।